Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sharahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So dear friends, assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Education Talks with Abbas. So humne jo class 11th ki chemistry start ki thi, इसमें जो चैप्टर 1 हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होने की है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसमें जो हमारा जो कौन से टॉपिक्स आएंगे वो हम देखेंगे, और साथ जो है इस चैप्टर में जो हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने नंबर के होंगे। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक जो है एमसीक्यू आएगा, उस हिसाब से हम इसको जल्दी रिवाइंड करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर का नाम जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, मतलब हमने कोई लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ठीक है, मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए किसी चीज को हमने प्यूरिफाई करना है, किसी चीज को हमने सेपरेट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। एक जो पहली टेक्निक जो है वो फिल्ट्रेशन है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का आपको पता ही है कि हमने जो डिजायर हमारे पास जो लिक्विड होता है हमें पास करवाना होता है जो सॉलिड ऊपर रह जाते हैं, और एक क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाने होते हैं हम इसमें, जैसे शुगर क्रिस्टल होते हैं, शुगर के हम गन्ने में हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्रिस्टल के में, तो ये जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। तीसरा जो हमारा है वो सब्लिमेशन है, क्या है सब्लिमेशन। जो फोर्थ हमारे पास है वो है हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और जो हमारा पांचवा इसमें जो है वो है क्रोमैटोग्राफी। इसमें जो बोर्ड ने आप लोगों के ऊपर मेहरबानी की है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, उसने जो ये दो टॉपिक है ना जो मेजर टॉपिक थे, बड़े बड़े जो टॉपिक थे उसके ऊपर करवा दिए, मतलब ये दो टॉपिक हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में नहीं करने है। तो ये हमने जो है ये तीन टॉपिक करने हैं, 1, 2, 3, ये हमारा इस चैप्टर में हमने ये कोर्स कवर करना है, ये तीन टॉपिक सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और मालिक उसके पास आ जाए कि वो जो है
हम ऐसे चीज को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो अगला जो है ये सब्लिमेशन होती कैसे यार, अब हम इसमें जो है थ्रू हम इसमें देख लेते हैं इक्विपमेंट के थ्रू। अब ये देख रहा है हमारे पास चैनल डिश है, ये हमारे पास चैनल डिश है ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने फनल यहाँ पर रख दी है, फनल इसकी जो है उठा के हमने यहाँ पे फनल रख दिया, क्या रख दी इसके ऊपर फनल रख दी है। अब इसने क्या किया, हमारे पास ये जो है हमारे पास इसका सारा सॉलिड है, ये जो हमारा रिक्वायर्ड सॉलिड होगा हम सॉलिड को इसके ऊपर रख देंगे चैनल डिश के ऊपर। क्या करेंगे, सॉलिड को चैनल डिश के ऊपर रख देंगे, अब ऊपर से फनल रख देंगे ठीक है, और नीचे से क्या करेंगे बर्नर चला देंगे, क्या करेंगे बर्नर चूल्हा। हाँ, इसमें हम इसमें हीट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये फनल है ठीक है, अब ये फनल को हम यहाँ पर ना कोनिकल फ्लास्क में इसको बंद कर देंगे। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, जब हम हीट करेंगे सॉलिड को तो सॉलिड क्या करेगा, पहले वेपराइज होगा ना, वेपराइजेशन प्रोसेस होगा। अब वेपराइजेशन प्रोसेस होगा, ये सारे फिल्टर पेपर पे क्या क्या करेगा, लग जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, सारा फैल जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर। और उसके थ्रू हम इसको जो हमारा जो इसका जो हमारे पास है प्रोसेस, हम इसको अपलाई कर सकते हैं और आसानी के साथ हम जो है उसको अपने प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेपराइजेशन। तो बेसिकली आखिरी जो इसमें क्वेश्चन रह गए वो एग्जाम्पल क्या है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड। पहली एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड को हम सब्लिमेशन कर सकते हैं ठीक है। दूसरा जो है इसमें हम अगर हमारे पास हम जिसे ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस बेसिकली होती क्या है, ड्राई आइस, ड्राई आइस हमारी होती है CO2 की सॉलिड फॉर्म, CO2 की सॉलिड फॉर्म। ड्राई आइस को हम कन्वर्ट कर दें इसमें हम करते CO2 गैस है। अब ये कब होगी, होगी जब इसका टेम्परेचर जो होगा ग्रेटर देन होगा -78 डिग्री सेल्सियस, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस का अकर होगा। और तीसरी एग्जांपल हम आयोडीन देख लेते हैं। अब आपको बोर्ड में कोई एग्जांपल आए इसकी सब्लिमेशन प्रोसेस की तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब हमने देखा कि सब्लिमेशन है क्या, सब्लिमेशन जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, हम इसको सॉलिड को कन्वर्ट कर देते हैं गैस फेस में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। हमने देखा कि ये सब्लिमेशन होती कैसे है और इसके इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा सब्लिमेशन प्रोसेस और जो है इस चैप्टर की सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप जरूर देखिएगा इसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।